टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूसुफ भाई, क्या क्या राहत सामग्री आपके तरफ से भेजी जा रही है? पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह ताला ने हमारे माजूरों से काम लिया है। जो बेचारे आज कोकन और माड़ में जो तबाही हुई है ये हैवी रेन की वजह से, उसके लिए अल्लाह ने हमको इस काबिल चुना, उसके लिए मैं अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान मंद हूँ। तो आज हमने हमसे जो भी बना हमारे विकलांग भाइयों से, तो हम थोड़ा थोड़ा सब निकाल के सब थोड़ा एक उनको एक बोलते नहीं दुखते हुए तिनके के फायरा के हमने एक मदद करी। क्या क्या सामग्री भेजा? हमने गेहूं भेजा हुआ है, गेहूं है, बिस्किट का पूड़ा है और मास्क है और मोमबत्ती है, माचिस है। सालंकी साहब, आज जो दिव्यांगों की तरफ से ये राहत सामग्री दी गई है, किस तरह से इसे पहुंचाया जाएगा? नमस्कार, आज अखिल भारतीय दिव्यांग सेना की ओर से जो कोकण में बाढ़ पीड़ित है उनको उनकी तरफ से मदद दी गई है, तो मैं प्रशासन के ओर से उन सबके धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो दान दिया हुआ है, जो मदद की है वो बहुत ज़रूरी है और हम महापालिका जो ज़रूरतमंद है उनके हाथ में वो चाहे उसका ध्यान रखेंगे, उनको पहुँचा देंगे। महापालिका की तरफ से भी कोई टीम वहाँ पे गई हुई है? यस, महापालिका की ओर से वहाँ पे जो TDRF है, हमारा डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, वो भी गया हुआ है और उसके बाद मेडिकल टीम भी गई हुई है। बाकी राहत का सामान पहुँचाने का ही कार्य चालू है, ये उसका ही एक भाग है। तो जो जो महापालिका प्रशासन जो उसके मदद हो सकती है हम लोग कर रहे हैं। माननीय गोस्वामी साहब, क्या कहेंगे आप जिस तरह से आज अखिल भारतीय दिव्यांग सेना की तरफ से ये राहत सामग्री दी गई है? अपने महाराष्ट्र के कई लोग जो चिपळूण और माड़ में जो मुसीबत आ गई हेवी बारिश होने की वजह से, और बहुत लोगों के जो हाल हो गए, ना उनको पानी मिल रहा है टाइम पर, ना खाना मिल रहा था, तो उसके लिए शासन ने एक परिपत्र, TMC ने भी एक जारी किया है कि जितनी मदद हो सकेगी उतनी मदद अपनी तरफ से उन लोगों को करने की। मुमरा की जो दिव्यांग संगठन है और उनके जो यूसुफ भाई है, ये यूसुफ भाई का एक नेचर ऐसा है, पहले से ऐसा है कि हर एक इंसान को मदद करने की, तो उनको उन्होंने आज पहली मदद आई मुमरा से हमारे पास उधर पहुंचाने के लिए, वो भी दिव्यांग लोगों की तरफ से जो मदद आई, इसके लिए उनका बोले तो इतना हम TMC की तरफ से इतने ऋणी है कि इन लोगों ने आगे आके तो बाकी के लोग भी ऐसे आगे आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मदद अपने गरीब लोग जो फंसे हैं अपने भाई लोग उनको बाहर निकलने की कोशिश करने के लिए ये अपन मदद, बाकी के लोग भी ऐसी मदद करेंगे तो एक मीडिएटर बन के ये मदद हम उधर चिपळूण तक या माड़ तक जो जिसके भी ऊपर वो टाइम खराब आया है हेवी बारिश की वजह से, वो मदद जरूर बोले तो 100% हम उधर पहुँचेंगे जल्द से जल्द। और बाकी के मैं एक मुमरा वासियों को एक बोलता हूँ कि ये इन्होंने जो किया ऐसा ही बाहर के लोगों ने किया कि तो हम भी उधर जाके उनको भी मोटिवेट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको वहाँ भी उनके ऊपर वो अपने भाई लोग हैं, तो भाई लोगों के ऊपर जो टाइम आया है उनको बचाना ही पड़ेगा, अपना वो फर्ज है। किस तारीख तक ज़्यादा से ज़्यादा मदद आपके प्रेस माध्यम से सभी मुमरा वाला लोगों को एक अपील करो कि एक कलेक्शन सेंटर बनाया है मुमरा में TMC ने, ये अपना स्कूल MM हली का, और इधर मोटे साहब है उनके पास रजिस्टर में लिखा जाएगा, और उधर पहुंचाने के बाद किसके ताबे में गए, कह के लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी मदद पहुंचेंगे कि नहीं, मगर हम उनका रिसिप्ट लाके उनको दिखाएंगे कि भाई मदद हमारी तुम्हारी तरफ से जो मिली हमने उधर पहुंचाया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी तरफ से TMC की तरफ से तो हमने अपील किया है, मगर आप लोग मीडिएटर इम्पोर्टेंट है, जो फोर्थ पिलर है अपने देश का वो आप है, तो आपकी तरफ से जरा ज़्यादा मुमरे के लोगों को जागृत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मदद हमारे स्कूल में जमा करेंगे तो हम उधर पहुँचेंगे।